हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मिले आपको नई अपडेट। विविध प्रश्नवाला का सवाल नंबर 16, ये फलन दे रखा है इस टाइप से और x बराबर 0 पर सतत बता रखा है, तो ए बी सी का मान अपने को ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो कोई भी फलन अगर सतत होता है तो इसकी तीन कंडीशन होती हैं कि एफ ए का मान, बाएँ सीमा का मान और दाएं सीमा का मान, तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी एफ ओ पी, एल एच एल, आर एच एल, तीनों के तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी फलन क्या होता है, सतत। तो अपने को सतत तो बता रखा है, कोई प्रूव नहीं करना है, सिर्फ अपने को मान निकालना है एफ ए का, एल एच एल का और आर एच एल का, उससे अपने पास में ए बी सी के मान निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एफ ए निकालेंगे। ए का मतलब जीरो है यहाँ पे, तो एफ जीरो यानी एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान कितना है यहाँ पे, सी। तो एफ जीरो का मान आ गया सी। उसके बाद में अपन एल एच एल निकाल लेंगे। एल एच एल का मतलब होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए माइनस में एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए, ए कितना है यहाँ पे जीरो, तो जीरो माइनस में एच आ गया। लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो में से एच निकाल लेंगे तो माइनस एच। एल एच एल का मतलब जहाँ पर एक्स का मान जीरो से क्या हो, छोटा। तो यहाँ पर एक्स का मान जीरो से क्या है, छोटा। तो इसमें जो फलन ये दे रखा है उस फलन में एक्स इज क्या लिख लेंगे, माइनस एच। तो लिखेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन ए प्लस वन, एक्स की जगह माइनस एच लिख लिया, प्लस साइन इंटू एक्स की जगह क्या लिख लिया, माइनस एच। और बट्टे में इसके क्या है, एक्स है, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एच। अब इस एच का दोनों में अलग अलग भाग दे लेंगे। तो भाग देंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन ए प्लस वन माइनस एच है, तो ये साइन माइनस थीटा बन गया, यानी थीटा है ये पूरा का पूरा, साइन का थीटा है यानी कोण का मान है। तो साइन माइनस थीटा, अपन ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन ए प्लस वन इंटू में क्या आएगा, एच, और बट्टे में इसके भाग दे दिया माइनस एच का, प्लस लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये भी क्या आएगा, माइनस का साइन एच, और बट्टे में इसके भाग देंगे माइनस एच का, तो ये आ जाएगा माइनस एच। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये बनेगा साइन ए प्लस वन इंटू में एच, और बट्टे में क्या है इसके, एच। एक चीज़ अपन जानते हैं पहले से ही, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स बट्टे एक्स, तो इसके बराबर में कितना होता है, एक। यानी अगर दोनों का ये मान ये बराबर है तो बराबर कितना होगा, एक, और लिमिट एक्स टेंड टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे लिमिट तो जीरो की तरफ जा रही है, लेकिन थीटा यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे ए प्लस वन इंटू एच, और यहाँ पर सिर्फ ही क्या है, बट्टे में एच। तो ए प्लस वन बट्टे में लाने के लिए भाग दिया, भाग देंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा, तो गुणा भी कर लिया, प्लस लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बट्टे में क्या है इसके, एच। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा है ये इसी की तरह बन गया, यानी x बटा x है, तो ये भी x है और ये भी क्या है, x है। तो ये तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो ये तो बन गया एक इंटू में, आगे क्या बन गया, एक ए प्लस एक ही, प्लस में साइन थीटा बटे थीटा, यानी साइन x बटे x है, तो ये भी कितना आ जाएगा, एक। तो यहाँ से ये आ गया a प्लस में दो, a प्लस में दो आ गया, कौन सा, एल एच एल आ गया a प्लस में दो, और उससे पहले अपना ये आया वही था। तो अब इसमें और क्या निकालना पड़ेगा अपने को, एफ ए निकाल लिया, एल एच एल निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे। तो आर एच एल का मतलब क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस में एच होता है, और लिमिट एच टेंड टू जीरो, ए के लिए अपने को जीरो दे रखा है, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस में एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, ए में जीरो जोड़ेंगे यानी जीरो में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एच। तो आर एच एल के लिए एक्स का मान जीरो से होना चाहिए बड़ा, तो एक्स का मान जीरो से बड़ा है तो फलन क्या है अपने पास में, ये वाला फलन है। ठीक है, तो इसमें एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये आ जाएगा रूट एच प्लस में बी एच स्क्वायर, यानी एक्स की जगह एच लिख रहे हैं तो माइनस में एक्स था रूट एक्स, तो एक्स की जगह कितना आ जाएगा, चोर बट्टे में कितना है बी एक्स, एक्स की जगह एच आएगा और इंटू में रूट एच आ जाएगा एक्स की जगह। लिमिट एच टेंड टू जीरो, सबसे पहले कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी रूट एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, तो ऊपर वाले में कॉमन क्या निकल गया, रूट एच निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये एच तो बाहर आ गया प्लस में, यहाँ पर एच का स्क्वायर था तो एक एच बच गया, ये पूरा बाहर आ गया तो आ गया यहाँ पे वन, और बट्टे में कितना इसके बी इंटू एच इंटू रूट एच, रूट एच से रूट एच कट जाएगा। अब इसमें कौन सा नियम लगा लेंगे, डी एल हॉस्पिटल रूल, यानी किसी भी फलन की सीमा का मान निकालना हो तो डी एल लगा सकते हैं, और डी एल का मतलब क्या होता है, फलन का अवकलन करना होता है, और अवकलन किसके सापेक्ष करना होता है, जो लिमिट दे रखी है एच टेन टू जीरो, यानी एच के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो लिमिट एच टेन टू जीरो
यहाँ पे ये रूट में देर का, और कोई भी फलन रूट में होता है जैसे रूट एक्स है तो उसका अवकलन कितना होता है अपने को पता होना चाहिए, एक बटा दो रूट एक्स होता है, यानी रूट के वाला जो फलन है उसका अवकलन होता है एक बटा दो रूट एक्स है। तो यहाँ पर ये रूट एक्स है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा एक बटे में दो रूट एक्स, एक्स का मान कितना है एक प्लस में बी एच गुणा, अब इसका भी अंदर वाले का भी करना पड़ेगा अभी तो रूट है रूट का होगा यानी एक बटा दो रूट एक्स लिख सकते हैं, अब रूट के अंदर जो मान है उसका भी अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर रूट के अंदर एक्स है तो इसका तो कितना हो गया एक हो गया, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर कितना है एक प्लस में बी एच है तो एक का करते हैं तो जीरो, यानी अचर फलन का जीरो होता है अवकलन, बी का कुछ होगा नहीं एच का करेंगे तो एक हो जाएगा, तो एक इंटू बी कितना हो जाएगा ये बी, माइनस एक का करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, बट्टे में इसका कितना था अच था अच का एक हो जाएगा, बी का कितना आ जाएगा बी। अब ये बन गया लिमिट एच टेन टू जीरो, जीरो में बी जोड़ेंगे तो बी बट्टे में कितना आएगा दो बी रूट एक प्लस में बी एच, तो यानी ये तो इसके साथ ही आना है गुणा में आ जाएगा। अब एच की जगह जीरो लिख लेंगे, बी से बी कट गया तो बी से बी कट गया तो इसका मतलब बी का मान यहाँ से निकल गया, यानी बी का जो भी मान आएगा वो कहाँ से आएगा रियल नंबर में से आएगा, यानी बी बचा ही नहीं है कट गया तो इसका मतलब ये रियल नंबर है, जो भी मान आएगा यहाँ पे इस फलन के साथ में वो हर एक बार कटेगा और बी बिलोंग्स टू क्या करेगा आर, यानी बी का मान आर में से, ये बी का मान तो निकल गया अपने यहीं से। अब एच की जगह अगर जीरो लिखें, एच की जगह जीरो लिखेंगे तो ऊपर तो एक ही बचा है यहाँ पे, यहाँ पे दो है तो एक प्लस में एच की जगह जीरो लिखेंगे तो आ जाएगा जीरो, तो ये मान आ गया अपना एक बटा दो। तो आर एच एल कितना निकल गया यहाँ से एक बटा दो निकल गया, आर एच एल का मान कितना है एक बटा दो, और फलन को पहले से ही सतत बता रखा है, सतत बता रखा है तो इसका मतलब ये तीनों मान बराबर होते हैं एफ ए एल एच एल और आर एच एल, एफ ए कितना निकला था अपना सी, यानी ये जो एफ ए है ये एल एच एल के भी बराबर होगा और आर एच एल के भी बराबर होगा, तो ये जो सी है ये एल एच एल के भी बराबर होगा और आर एच एल के बराबर, तो सी को अगर आर एच एल के बराबर लिखते हैं तो आर एच एल अपना निकला है एक बटा दो, तो सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से एक बटा दो आ जाएगा, सी बराबर एक बटा दो आ गया, तो यही जो एल एच एल है वो आर एच एल के भी क्या होगा बराबर, और एल एच एल अपना पहले से क्या निकला हुआ था ए प्लस दो, तो ए प्लस दो बराबर कितना हो जाएगा एक बटा दो, तो ए बराबर आ जाएगा एक बटा दो माइनस दो बटा एक, तो लघुत्तम दो आ जाएगा तो ये आ जाएगा एक माइनस चार, यानी माइनस में कितना आ जाएगा तीन बटा दो, तो सी का मान एक बटा दो, ए का मान माइनस तीन बटा दो, और बी बिलोंग्स टू आर, यानी बी का मान आर में है आर से है, यानी बी कट गया तो इसका मतलब बी का मान आर से ले लिया, तो ये अपन ने ए बी और सी के मान निकाल लिया।